तो ये हमारा डे टू, और जैसे ही हम स्टेशन से बाहर आते हैं ना, ये बस सामने खड़ी मिलती है हमें, और इसी बस में आज हम थोड़ा बहुत जो यात्रा जो है वो करने वाले, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर जो है वो करने वाले हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि बस हमारा ही इंतजार कर रही थी। चलो फाइनली चलते हैं और जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। सीधा हमें ले जाती है लक्ष्मी विलास पैलेस, जिसको महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने 1890 में बनाया था। और ये 500 एकड़ में फैला ये पैलेस जितना बाहर से खूबसूरत है ना, उतना ही अंदर से था, पर अंदर फोटोग्राफी उतनी अलाउड नहीं थी। बस का सफर करके पहुंच जाते हैं होटल, जहां पे थोड़ा रेस्ट करके लंच करके फिर से निकल जाते हैं चंपानेर आर्कियोलॉजिकल पार्क में, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको वनराज चावड़ा, चावड़ा डायनेस्टी के जो प्रमुख राजा थे उन्होंने बनाया था। अगले दिन फिर से हम तैयार होकर निकल जाते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने। From the West Pacific to the island of Kenya, they treat me like a son anywhere I go. And even though... लेकिन उससे पहले पहुंच जाते हैं एकता नगर रेलवे स्टेशन, जो कि पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। तो फाइनली पहुंच चुका है अपना कारवां एकता नगर रेलवे स्टेशन, जो कि केवड़िया से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो लोग भी ट्रेन से आते हैं ना यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए, वो अपने ट्रेन को यहीं पे डिबोर्ड करते हैं। और ये स्टेशन भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अनोखा है, क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा स्टेशन है जो कि बिल्कुल ग्रीन है। वैसे तो ग्रीनरी आपको चारों तरफ दिख रही होगी, हर तरफ बिल्कुल शांति है, और जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है ना, बिल्कुल नेचर का ख्याल रख करके, इस स्टेशन को बहुत ही अनोखा और बहुत ही स्पेशल बनाता है ये पूरी कारीगरी। एकतानगर रेलवे स्टेशन को कुछ ऐसे बनाया गया है कि यहाँ पे बाहर से बिजली लगती है, बल्कि अंदर ही सब कुछ प्रोडक्शन होता है। यानी कि यहाँ पे इतने सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं कि बाहर से पावर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए ये एक ग्रीन रेलवे स्टेशन भी है। वैसे मैं तो पहली बार स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने जा रहा था, इसलिए एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही थी। अच्छा, इसको पहले साधु हिल के नाम से लोग जानते थे, और ये पूरी जर्नी यहाँ पे दिखाई गई है किस तरीके से ये एक छोटा सा साधु हिल था, और उसके बाद से कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा हुआ यहाँ पे। सरदार पटेल की ये स्टैचू करीब 182 मीटर यानी कि करीब 600 फीट लंबी है, जो कि भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊँचा स्टैचू है। और जिन्होंने इस देश को एकजुट करने में दिन रात लगा दिए, उनका कद तो वैसे ही बड़ा होना चाहिए, बाहर भी और हमारे दिलों में भी। फिर वापस से बस में बैठकर हमारा कारवां वडोदरा के लिए रवाना हो जाता है। तो चलिए फाइनली अपनी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है विश्वामित्री रेलवे स्टेशन, जहां से हमने कल शुरुआत की थी, वहीं पे आगे पहुंच चुके हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी घूम करके हम वापस आ गए। ज़्यादा कुछ मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि भाई वो जो चीज़ें आपको मैं इसमें दिखाऊंगा तो फिर ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैं आपको जो ट्रेन जर्नीज है ना उस पर फोकस करूंगा। और यहाँ से हम निकलने वाले हैं सोमनाथ के लिए, और हमारी ट्रेन जो है वो अराउंड 9:30 के करीब जो है वो यहाँ से निकलेगी सोमनाथ के लिए। तो ये पूरा रूट जो है मैं आपको दिखाऊंगा, और अब ट्रेन में चलते हैं, बहुत बोर हो गया। तो फाइनली ट्रेन को देख करके बहुत खुशी हो रही है, और वही WP7 इंजन जो है वो लगा हुआ है। तो रात के 8:30 बज चुके हैं, और ये है Day 3 हमारे इस जर्नी का। तो फिलहाल फाइनली आ चुके हैं विश्वामित्री रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर हमने कल सुबह इस ट्रेन को डीबोर्ड किया था। वापस से आ चुके हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद से। और यहाँ ना, यहाँ बहुत सारे ट्रेनों का एक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब हम ट्रेन को ज़रूर से मिस कर रहे थे, और अब जा करके इतनी सारी ट्रेनें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है ना, कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। बैक टू बैक बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो यहाँ से निकलने वाली हैं।
वैसे भाई ट्रेन को यहाँ से निकलने में भी काफ़ी टाइम है और बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो यहाँ से क्रॉस हो रही हैं, और ऐसे में जो लोग यहाँ के थे ना उन लोगों को पता चल कि हम लोग यहाँ पे हैं तो सब लोग मिलने चले हैं। आपका नाम क्या है? मेरा मयंक है। मयंक, थैंक यू मयंक, थैंक यू सो मच। आपका नाम? कार्तिक। कार्तिक, थैंक यू, थैंक यू कार्तिक। अरे संदीप भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। रोलेश भाई मज़ा आ रहा है यहाँ पे ट्रेन वापस आकर के संदीप भाई के साथ। अरे एंजॉयमेंट चल रहा है। I'm a traveling spirit, I've seen many shows. From the West Pacific to the island of Kenya. अच्छा बहुत ज़ोर से सीटियाँ जो है ना बजाई जा रही है, मतलब ये कि अब हमें ट्रेन के अंदर बैठना है और यहाँ से निकलने का वक्त जो है वो अब करीब आ चुका है। तो चलिए अब बैठते हैं अपने कोच में और यहाँ से फाइनली अब निकलते हैं सोमनाथ की तरफ। बाकी भाई चलो बाय, थैंक यू सब लोग आने के लिए, थैंक यू सो मच। ये देखते हैं ये बंदे, अरे खुला है तो क्या आप लोग बवाल सिक्योरिटी डाले हैं आप लोग तो बढ़िया एकदम। डिपार्चर हो गया क्या? हाँ डिपार्चर हो गया। चलिए फाइनली 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 अपना डिपार्चर विश्वामित्र रेलवे स्टेशन से हो चुका है और अब सीधा आपसे मिलेंगे सुबह के वक्त में, देखते नींद कहाँ पर खुलती है। चलिए डिपार्चर तो अपना हो चुका है यहाँ से, बाकी अगर बात करें डिनर की ना तो डिनर तो सब होना चाहिए, वैसे खाने का किसी का मन होगा नहीं मैं पूरा श्योर हूँ, बट फिर भी कोशिश करेंगे कुछ हल्का फुल्का आपको दिखा पाए खाने में कि आज के दिन में क्या नया मिला। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वडोदरा को स्किप करते हुए जाएंगे हम, हालांकि ट्रेन के लक्षण जो है वो तो स्किप करने वाले लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद यहाँ पर ट्रेन रुक जाए। क्या लगता है भाई, ट्रेन रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी ना, रुकना चाहिए, रन थ्रू देना चाहिए। बिल्कुल देखते हैं क्या होता है। यार वैसे नहाने का मन तो बहुत था क्योंकि पानी गर्म आ रहा है भाई, नेचुरली पानी गर्म आ रहा है, गर्मी इतनी है, ठंडा पानी भरा गर्म है। हाँ वो गर्म है और सुबह से पानी बहुत ठंडा हो जाएगा वैसे, लेकिन सुबह ही नहाएंगे क्योंकि अब नहाएंगे तो यार दो बार कौन नहाता है ऐसे। भाई भाई भाई। सब लोग ना आज थोड़े खुश हैं क्योंकि वापस से ट्रेन में आके बैठे हैं। मैंने भी, आप भी खुश है ना? बहुत खुश है ना? बस सब लोग खुश हैं। हेलो सर कैसे हैं? अब अच्छा लग रहा है ट्रेन में वापस, अब कंफर्टेबल लग रहा है, अब घर में आ गए ना वापस लग रहा है। बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? अरे हमारी पार्टी की तरह। अच्छा ये रहे हमारे लोग। और भैया कैसे हो, वापस होम कमिंग, घर में आ गए सब लोग? घर में आ गए, घर की वाइब अलग होती है ना, चिल करो बढ़िया से है ना। खाना पीना मौज मस्ती। पहले पार्ट में ये लगा लोगों को कि संदीप भाई ढोलेश भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे मिल लो यार। मुलाकात हो नहीं पाई थी अपनी। अभी बता दो यार कि हम लोग कितना देर ट्रैवल साथ में कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं? कभी जो है मिसिंग हो जाती है। देखो बात क्या है, दोनों को कोच अलग मिल गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो आगे पीछे हो गए, बट भाई मुलाकात होती रहती है, साथ में ही घूम रहे हैं हर टाइम, साथ रहे हम लोग। हाँ साथ में ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, लगभग 24 घंटे हम साथ में ही है। बिल्कुल वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आज भी दोस्त हैं। अरे भाई लोगों का काम कहना, लोग कुछ तो कहेंगे। डिनर जो है वो तो बिल्कुल नॉर्मल सही जैसे हमेशा था वैसे ही है, जो डे नई वैरायटी चाहिए, जो डे वन से जो क्वालिटी और क्वांटिटी मिल रही है बिल्कुल वैसी है। बाकी हाँ कुछ और नया होना चाहिए ना, बाकी आज नया के तौर पे तो खिचड़ी जो है वो आई हुई है, जो कैसी है खिचड़ी, कैसी है? अच्छी है, अच्छी से अच्छी मुझे यही लगी है। अच्छा तो खिचड़ी जो है पसंद आ गई, और सत्य भाई तो खिचड़ी और ले रहे हैं। ओवरऑल सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। खाने पीने की ना कोई दिक्कत है ही नहीं इस ट्रेन में। तो चलिए फाइनली अपना डिनर जो है वो हो गया कंप्लीट, बहुत देर से यहाँ बैठ के डिनर हम लोग कर रहे थे, हालांकि बहुत ही अच्छी जगह भी है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो गपशप करते बातें करते डिनर जो है वो करते थे आराम से एकदम। हालांकि अब थोड़ा बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वैसे भैया थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत बढ़िया सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो अभी फ़िलहाल अहमदाबाद जंक्शन जो है वो स्किप होने वाला है, पता नहीं स्किप होगा ट्रेन रुकेगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अहमदाबाद बस पहुंचने वाले हैं तो वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद से कुछ प्लान पता नहीं क्या करूंगा मैं, बस दिख सो जाऊंगा। वैसे तो आप लोग भी सो जाओगे? कितने में सोओगे आप लोग? एक बजे सोते हो, फिर कितने बजे उठते हो? 5 बजे। 5 बजे, थैंक यू। और ये आप कहाँ से ऑन बोर्ड हो गए?
मैं बड़ोड़ा से हूँ एज अ मीडिया पर्सन। अच्छा मीडिया पर्सन, किस न्यूज़? डीडी न्यूज़, दूरदर्शन से। अरे वाह, दूरदर्शन एक जमाने में मतलब हम लोग देखा करते थे, आज भी देखते हैं तो काफी अच्छा। आपको स्क्रीन पे देखता था, आपके सब ब्लॉग देखे, सब सभी ब्लॉग। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, मिलकर अच्छा लगा। आपका नाम? विवेक त्रिवेदी। विवेक त्रिवेदी, विवेक त्रिवेदी जी डीडी न्यूज़ से, और ये मैं वीडियोस देखते हैं, सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और लाखों लोग जो लोग देखते हो वीडियोस ना, बट सच में आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग शांति से आप लोग वीडियोस देखते हो और लाइक करते हो, पसंद करते हो, उसके लिए सच में बहुत बहुत थैंक यू यार। तो रात के 11 बजने वाले हैं और फिलहाल हमारी ट्रेन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है, तो ज़रा वो देख लेते हैं पहले। तो ये अहमदाबाद के पहले का स्टेशन मणिनगर है, उसके बाद जस्ट अहमदाबाद स्टेशन जो है वो आता है। अब देखना ये है कि हमारी ट्रेन अहमदाबाद को स्किप करेगी या फिर वहाँ पे हॉल्ट लेगी। और चाल से तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन अहमदाबाद पे हॉल्ट लेने वाली है, यहाँ पर ट्रेन रुकने वाली है, क्योंकि बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे जा रही है ट्रेन हमारी। तो मुझे लगा था कि शायद हम यहाँ पे हॉल्ट करेंगे, पर ऐसा नहीं है, हम अहमदाबाद को स्किप कर रहे हैं। और ये कौन सी ट्रेन है गेस करिए आप लोग? अजमेर दादर अजमेर, मेरे ख्याल से ये विश्वामित्री पे खड़े थे ना, ये ट्रेन हमसे क्रॉस हुई थी, हमें दिखी थी एक ट्रेन, और ये ट्रेन अभी भी अहमदाबाद में है। और ये लीजिए फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी, और दादर अजमेर बाय बाय निकल चुकी है। चलिए अहमदाबाद से तो हम निकल चुके हैं, वैसे सिर्फ एक मिनट की ट्रेन वहाँ रुकी थी, और अब दिखाने वाले आपको साबरमती रिवर फ्रंट। और हाँ एक और चीज़, साबरमती स्टेशन पे ना हमारी ट्रेन रुकने वाली है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो लोकोमोटिव है वो चेंज होने वाला है। यार कुछ भी बोलो, 1AC में बैठे हो आप, लेकिन जब यहाँ के बैठते हो ना तो बड़ा सुकून मिलता है। ये कोच बाकी बहुत बढ़िया है ना इसकी भाई? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, फर्स्ट AC से, ये सेकंड AC बहुत बढ़िया है। बाकी लोग जो है वो धीरे धीरे सो चुके हैं, और हमारा भी ये आखिरी हॉल्ट होने वाला है, इसके बाद से अब सीधे सुबह आपसे मिलेंगे। तो हम लोग बैठे ही रह गए, और ट्रेन जो है वो साबरमती स्टेशन पर आके रुक चुकी है। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो लोकोमोटिव है, WP7 लगा हुआ था, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था, अब यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव लगता है, या फिर ऑब्वियसली डीजल लोकोमोटिव ही लगना चाहिए वैसे तो। चलते हैं आगे और देखते हैं, वो ट्रेन बहुत बड़ी है नहीं, ट्रेन छोटी है तो पूरा एंड तक जा सकते हैं। ऑल्दो हम लोग बिल्कुल एंड में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग उस पार जा कर के आपको जो लोकोमोटिव है वो दिखा सकते हैं। सर डीजल पावर लगेगा क्या अब यहाँ से पूरा वेरावल तक? पूरा वेरावल तक डीजल लोकोमोटिव जो है वो हमको अब लेके जाने वाला है। पैंटो डाउन हुआ, पहले हेड ऑन जनरेशन में ट्रेन चल रही थी, यानी कि लोकोमोटिव से ही पावर जो है वो सब कुछ मिल रही थी, लेकिन अब क्या है कि अब जब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो रिटैच हो गया, अलग हो गया, तो अब EOG यानी कि एंड ऑन जनरेशन जनरेटर कार जो है, जिसके अंदर जनरेटर जो लगा हुआ है, अब इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। और जस्ट अभी इसको ऑन कर रहे थे, सोचा कि आपको दिखा दूँ मैं, पर वो अभी वापस बंद कर दिया इसको। तो इसको अब ऑन करेंगे, और इसी जनरेटर कार से अब पूरे कोचेस को पावर जो है वो मिलेगा। देखो ऊपर हो गया, हो गया। अब ये देखिए, अब पैंटो अप हुआ, लोकोमोटिव जो है वो यहाँ से अब अलग हो जाएगा, और इसकी जगह पे अब डीजल लोकोमोटिव जो है वो लगाया जाएगा।
तो ये हो गया EOG यानी कि एंड ऑन जनरेशन कार ऑन, और अब सारा पावर जो है वो अब इसी के थ्रू पूरे कोच में फैलाया जाएगा, दिया जाएगा। तो चलिए, क्या सोचा था और क्या पाया। सोचा था कि एल्को लोकोमोटिव जो है वो लगाया जाएगा, पर एल्को लोकोमोटिव छोड़िए, EMD लगाया गया, पर ये EMD जो है वो WDG4 यानी कि गुड्स लोकोमोटिव जो है वो। तो चलिए, ये लग चुका है डीजल लोकोमोटिव हमारी ट्रेन में। उम्मीद थी कि एल्को लोकोमोटिव जो है वो लगाया जाएगा, पर एल्को छोड़िए, EMD लगाया गया, लेकिन वो गुड्स ओनली लोकोमोटिव जो है वो लगाया गया। क्या कह सकते हैं आप? बस क्या कहें, बेसिकली अगर गुड्स भी लगाया है तो ये जो गाड़ी है ये 110 पे चल रही है, और मुझे लगता है सेक्शन जो है वो 100 या 105 उसका मैक्सिमम स्पीड होगी, तो ठीक है उसके हिसाब से। ओसल तो काफी अच्छी है, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेन है उस हिसाब से तो मतलब थोड़ा सा एक लेगेसी होती है कि हाँ भाई एक अच्छा पावर, बिल्कुल ठीक है। और बस कुछ ही देर में ट्रेन जो है वो यहाँ से अब रवाना होने वाली है। अच्छा, अगर बात करें रूट की ना, तो हमारी ट्रेन मोस्टली जो है वो सुरेंद्र नगर, वीरमगाम, राजकोट होते हुए, वांकानेर होते हुए वेरावल तक जाएगी। बीच में एक राजकोट स्टेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, वो भी आएगा। तो ये सारा रूट जो है वो कवर होगा सुबह के वक्त में। हालांकि जब तक हम उठेंगे तब तक मोस्टली ये स्टेशन जो है वो क्रॉस हो चुके होंगे। अब देखते हैं कि सुबह 6 बजे उठते हैं और 6 बजे हमारी ट्रेन जो है वो कहाँ पहुँची हुई होती है। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं और रेस्ट करते हैं, क्योंकि सभी पैसेंजर जो है हमारे कोच में, सारे कोच में अब सो चुके हैं। क्यों श्रेयस भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। क्या कहते हो, नींद आ रही क्या? थके हैं थोड़ा, आप रेस्ट करेंगे, है ना? चलो। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और सुबह के करीब 7 बजे हैं और ट्रेन काफ़ी देर से केसोर रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। और यहाँ से अगर बात करें वेरावल की दूरी ना, तो लगभग 1 घंटे की जर्नी जो है वो बची हुई है। हमें लगा शायद सुबह उठते उठते करीब 2-3 घंटे की जर्नी जो है वो बची होगी और मैं आपको दिखाऊंगा, पर ट्रेन जो है वो बहुत बिफोर यहाँ के खड़ी हो चुकी है और इसके बाद से जो रूट है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। तो मैं आपको दिखाने वाला था कि स्टेशन कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, पेड़ पौधे जो है वो लगाए गए हैं, और मुझे ना ये जो स्टेशन अच्छे लगते हैं जिनमें पेड़ पौधे होते हैं। बाय सर, थैंक यू, बाय सर। और फाइनली अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और वेरावल यार बस कुछ ही दूरी में पहुँच जाएंगे, सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे वेरावल है और उसके बाद से ना ये जर्नी ख़त्म हो जाएगी। हालाँकि चलिए कोई बात नहीं, कम से कम 7:30 बजे हम उठ तो गए और कुछ तो आपको दिखा पा रहे हैं इस रूट के बारे में। हालांकि जूनागढ़ जो मिस हुआ ना सुबह करीब 6 बजे, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। हालांकि रात में थोड़ा लेट भी हम लोग सोए थे। तो भाई सुबह के करीब 7:40 का वक्त हो चुका है और बस पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि वेरावल, और सनराइज भी काफ़ी बढ़िया हो रखा है। देखो यहाँ के बैठ गया, यहाँ के बैठ के ना आखिर काफ़ी अच्छा लगता है और फील होता है कि आप एक अलग ट्रेन में बैठे हो। हालांकि फर्स्ट क्लास जो है वो तो नॉर्मल लगता है कि वैसे ही है, लेकिन ये कुछ अलग लगता है बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। अब वेरावल सोमनाथ सुबह कब जग गए थे आप लोग? 6 बजे 5 बजे हम लोग लेट उठने वाले, 7 बजे वाले लोग। अच्छा, चलिए अगर हम भी फायदा कर दिया, जल्दी उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो टी लेके चले जाते हैं ना, चाय लेके। हम तो फिर भी सोते रहते हैं, चाय मिस कर देते हैं। चलो, यहाँ का माहौल बढ़िया है, मतलब आप लोग का ब्रेकफास्ट, गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट हो गया आप लोग का? अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग। आप लोग ब्रेकफास्ट करिए, हम लोग भी आते हैं। आपने नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किया। सबको नाश्ता के लिए बुलाने आए हैं यहाँ पे। चलिए, कब तक अभी ये रहेगा? 9 बजे तक? अब नहीं, मतलब हम तो 9 बजे पहुँच जाएंगे ना। 9 बजे क्या, पहले ही पहुँच जाएंगे हम तो, बट हम तब तक आप लोगों को जो है सुबह अच्छा देते रहेंगे, मतलब जब तक सब लोग कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम।
और सामने जो है वो मीटर गेज के ट्रैक्स आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि हम वेरावल बस पहुंचने वाले हैं। तो वेरावल एक ऐसा स्टेशन है जहां पे मीटर गेज और ब्रॉड गेज का मिलन होता है। आपने आपको दिखाया आपको जो कि तलाला जूनागढ़ की तरफ से जो मीटर गेज का रूट है वो आता है, और फाइनली वेरावल में अपना अराइवल हो रहा है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं वेरावल जंक्शन, और यहीं पे हमारी ट्रेन हॉल्ट लेने वाली है आज रात तक। आज हम यहां से निकलेंगे और जाएंगे सोमनाथ दर्शन के लिए। सोमनाथ घूमेंगे, सोमनाथ के दर्शन करेंगे, बीच घूमेंगे, और उसके बाद रात को करीब 9 बजे वापस ट्रेन में आ जाएंगे, और ट्रेन हमारी यहां से जाएगी द्वारका के लिए। फिलहाल आज का व्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर बात करूँ वेरावल की ना, तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है सोमनाथ की तरफ। बिल्कुल सोमनाथ तरफ एक छोटी लाइन जो है वो गई हुई है, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि ये राजकोट की तरफ से, और एक लाइन जो कि मीटर गेज की लाइन है वो निकल जाती है यहाँ से तलाला की तरफ, और इसीलिए वेरावल एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वैसे तो ट्रेन को यहाँ पे डिबोट करना है, लेकिन नाश्ता जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो लग चुका है, तो नाश्ता करते हुए तब ट्रेन को डिबोट करते हैं। कटले सबसे पहले, उसके बाद उपमा और चटनी भी। जी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक मीटर गेज का भी स्टेशन है, और इस तरफ जो मीटर गेज का ट्रेन है, मीटर गेज का लोकोमोटिव है, वो फिलहाल अभी ऑन करके रखा गया है। और हाँ, आपको बता दूँ कि अभी भी ये ट्रेन जो है ना वो चलती है, तो अगर आप जर्नी करना चाहते हो तो यहाँ आके आप मीटर गेज में बैठ सकते हो। तो फिलहाल इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए सीरीज में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आई हैव लर्न्ड दैट नो वन एल्स कैन कैरी दिस लोड। It's a train where I'm the only passenger on board.